वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज 12th क्लास फिजिक्स एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट सेल, क्योंकि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ना वो किसका, किसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सेल के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने को किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, सेल के बारे में अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ए सेल। एक सेल क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, किस तरीके से अपने को इसकी एनर्जी है वो, किस तरीके से अपन सेल से वो एनर्जी वो पास होती है, वो सारी चीज़ें अपने को स्टूडेंट्स स्टडी करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सेल। तो सपोज दैट स्टूडेंट, सपोज करो कि अपने पास एक कन्वेयर बेल्ट है, देखो इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट, समझ गए कि आप लोग, कन्वेयर बेल्ट का मतलब ये है कि आप लोगों ने शायद, हो सकता है पहले पुराने टाइम में, अब तो आजकल जैसे कि जो फ्लोर मिल होती है, आटा चक्की जो होती है, वो तो अब देखो घरों में सबके पास हो गई है। पहले के टाइम में क्या होता था कि आटा वगैरह जैसे पिसवाना होता तो अपने को ना एक पर्टिकुलर किसी शॉप पे जाना पड़ता, वहाँ पे क्या कि बड़ी सी ऐसे एक फ्लोर मिल लगी होती थी, जिसके एक साइड में कोई मोटर वगैरह लगी होती थी और दूसरे साइड में वो जो पिसने वाला जो होता है ना, वो मतलब मशीन होती थी, वो एक बीच में ना कन्वेयर बेल्ट होता था। वही सेम कन्वेयर बेल्ट मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया एक बार के लिए कि मान लो ये कोई कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। इस कन्वेयर बेल्ट पे बहुत सारे छोटे छोटे लिंक्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स से ये ना कन्वेयर बेल्ट बना हुआ है, इट्स मेड बाई स्मॉल लिंक्स, और ये सारे लिंक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इन्हीं सभी पॉइंट्स को मिला के अपन ने क्या बनाया, एक कन्वेयर बेल्ट। इस तरीके से देर आर मेनी स्मॉल पॉइंट्स एंड बाय विच दिस कन्वेयर बेल्ट इज मेड ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, ये कन्वेयर बेल्ट क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है। यहाँ अगर आप ना कोई भी ऐसे खड़े हो, यहाँ पे अपन खड़े हो जाएंगे और ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे घूमेगा तो आप ना इस पर यहाँ पे खड़े हो गए तो आप यहाँ आ जाओगे, ठीक है। आपने यहाँ पे खड़े हो गए, कन्वेयर बेल्ट जब रोटेट करेगा तो आप यहाँ आ जाओगे, और आप यहाँ से यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वेयर बेल्ट ने क्या किया, वर्क किया। इसका मतलब कन्वेयर बेल्ट बेल्ट जो है उसके पास क्या है, एनर्जी है, ये रोटेट करता है, उसके पास एनर्जी है और इस एनर्जी से अपन कोई भी वर्क करवा सकते हैं। अब वो वर्क कैसा होगा, एक तो वर्क ये हो जाएगा कि आप यहाँ खड़े हो गए और ये कन्वेयर बेल्ट घुमा और आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये भी एक वर्क है। हो सकता है आपको ना कोई कोई दूसरा वर्क करवाना हो, यहाँ आपने क्या किया कि एक यहाँ पे ना कोई जैसे पंखा वगैरह फैन वगैरह लगा दिया और कर यहाँ पे इस तरीके से कोई फैन वगैरह लगा दिया, पंखा वगैरह, और ये कन्वेयर बेल्ट है ना उसके साथ अटैच किया हुआ है, तो ये पंखा घूमेगा, ये अगर ये कन्वेयर बेल्ट अगर रोटेट करेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फैन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो है ना बेल्ट, ये इस फैन का जो कनेक्शन है उसको क्या करेगा, जैसे मान लो ये फैन है और ये ऐसे बेल्ट लगा हुआ है इस पे, तो ये इसको पुश करेगा तो ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने वो मशीन देखी होगी, गन्ने का रस निकालने वाली मशीन जो होती है, वो गन्ने का जो रस निकालते हैं वो जो मशीन होती है स्टूडेंट्स, उस मशीन में ना कुछ ऐसा ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा नीचे एक मोटर लगी होती है और कन्वेयर बेल्ट होता है और उस बेल्ट से वो रोटेट करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये सेम प्रोसेस जो है, जो मैंने आपको कन्वेयर बेल्ट का जो एग्जाम्पल दिया है, ये सेम प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे ही होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आप घर में, बाहर कहीं पे भी देखते हो, वो सेम प्रोसेस उसमें भी यही होता है। उसमें भी क्या होता है कि इस तरीके से एक सर्किट बना होता है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स बनाए मैंने, इन पॉइंट्स की जगह होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। अब यहाँ पे आप किस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अपन ना किसी भी तरीके से, कोई भी टेक्निक लगा के उस एनर्जी को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि बल्ब लगा दिए, बल्ब जलना शुरू हो गया,
ठीक है, तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। बल्ब क्या कर रहा है, वो जो सर्किट के अंदर जो ये वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को बल्ब क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। समझ गए? यहाँ आपने मान लो फैन लगा दिया, मोटर लगा दी, मोटर घूमने लगी, तो यानी वो इलेक्ट्रॉन से वो सारी एनर्जी किसको दे रहे हैं, मोटर को दे रहे हैं, और मोटर की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी वगैरह के इनके अंदर हो, वो हीट एनर्जी में रेडिएट हो रही है, बाकी के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो सेम प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे आपने आपको मैंने कन्वेयर बेल्ट में लगाया, ये यहाँ तक मेरे हिसाब से वो समझ में आ गया। अब अपन आगे की बात करते हैं, कन्वेयर बेल्ट की बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि यहाँ ना ये कन्वेयर बेल्ट है ना, अगर मान लो आपने यहाँ पे जैसे गन्ने की मशीन का अपन देखते हैं, एक नीचे मोटर लगी होती है, फिर ऊपर एक बड़ा सा व्हील होता है, पहिया होता है, वो मोटर ऐसे घूमती है, वो जो व्हील है वो इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देता है। अब है ना, उस मोटर के पास इतनी ताकत होनी चाहिए, उस बेल्ट के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उसको घुमा सके, और एनी टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो ये कोई ये वाला पॉइंट, इस पर ऐसे मतलब धक्का लगाया, ऐसे फोर्स लगाया इस पर, इसको घुमाने के लिए, और इस पर घुमाने के लिए फोर्स लगाया, फिर पीछे वाले के पास भी एनर्जी होनी चाहिए, फिर उसके पास भी एनर्जी होगी, ये एनर्जी है ना कम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ये एनर्जी आपकी कम होती जाएगी तो होगा क्या, ये आपका फैन जो है वो रोटेट करना बंद कर देगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, गन्ने की जो मशीन होती है, आपने शॉप वगैरह देखा होगा, नीचे एक मोटर लगी होती है, वो मोटर लगातार कंटिन्यूसली वो मोटर क्या करती है, फोर्स लगाती रहती है। तो ऐसे ये वो मोटर क्या है, मोटर वो मोटर क्या है, कन्वेयर बेल्ट के केस में अगर अपन देखें वो मोटर क्या है, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, वो मोटर क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी वो एनर्जी का सोर्स है। वो मोटर एनर्जी किसको देता है, कन्वेयर बेल्ट को देता है। कन्वेयर बेल्ट एनर्जी किसको देता है, वो जो घूमने वाला व्हील है उसको देता है। अब उसके पास है ना, कन्वेयर बेल्ट के पास सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो लगातार उसको घुमाता रहे, ऐसा नहीं कि एनर्जी थोड़ा सा धक्का लगाया घुमा फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पता चला एनर्जी कम हो गई, कन्वेयर बेल्ट रुक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सोर्स चाहिए जो लगातार इन कन्वेयर बेल्ट को घुमाता रहे। वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी ना क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर रहे हैं, उनके पास एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी यहाँ दे दी, अब इसके पास यहाँ आएगा तो इसके पास एनर्जी है ना वो कम नहीं होनी चाहिए, पीछे से और इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उनके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। यानी हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो लगातार इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता रहे, जो कंटिन्यूसली इनको एनर्जी देता रहे ताकि ये मूव करते रहे और अपना वर्क अपना काम होता रहे। अब मान लो ये कोई ऐसे घूमने वाली कोई मशीन है, यहाँ से आपने इसको पुश किया, इसके पास एनर्जी नहीं तो ये ऐसे रुक के यहाँ रुक गया, लेकिन इसके पास अगर है ना अपने पास ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जो पीछे से लगातार और फोर्स लगाए और इसको ऐसे घुमा, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो जिस तरीके से कन्वेयर बेल्ट के केस में अपन ने एक मोटर जो होता है ना, मोटर जिसको अपन लाइट में लगाते हैं, मोटर जो है ना वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाती है कन्वेयर बेल्ट को। कन्वेयर बेल्ट एनर्जी किसको देता है, जो बड़ा सा व्हील होता है ना उसको देता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसको भी ना उसमें भी सेम प्रोसेस होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है अपने को पूरे सर्किट में, तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो मान लेते हैं ये अपना सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस सोर्स विल कीप कंटिन्यू विल प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स टू डू वर्क। ये कंटिन्यू क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कंटिन्यूस ये मूव करवा करेगा। अब जैसे कि गन्ने की मशीन के बारे में बताया था, उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी मोटर लगी होती है, वैसे सर्किट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको एनर्जी देने का काम कौन करेगा। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है सेल ही हमेशा सोर्स ऑफ एनर्जी हो, सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी हो सकता है। सपोज देखो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि कुएं में से पानी निकालना है, तो मान लो आप में से कोई जाके और ऐसे रस्सी से बाल्टी लटकाई और उससे अपने खींच के निकाला, हमने क्या किया, हमने मस्कुलर, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर हमने खुद ने वर्क किया। या फिर हो सकता है वहाँ पे हम कोई मशीन लगा दें, ऐसी मोटर वगैरह लगा देते हैं,
वो मोटर कैप पानी को खींच के लिए, तो वहां पे वर्क कौन कर रहा है? मोटर कर रहा है, मोटर कर रही है वर्क, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुई? मोटर हो गई। कहीं पे सोर्स ऑफ एनर्जी मैं खुद हो गया, मैं अपने खुद मस्कुलर फोर्स से उसको वर्क करूंगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिकल के केस में सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा सेल हो। बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सेल। सोर्स ऑफ एनर्जी आपका जनरेटर भी हो सकता है, डायनमो, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेल जो है वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द सेल। सो स्टूडेंट्स, यहां मान लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका? सेल। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सेल। ये सेल क्या करेगा? कंटिन्यूसली इसको एनर्जी देता रहेगा, ठीक है? सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स है, उनको एनर्जी देता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ आपने कोई बल्ब लगा दिया, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब देखो ये वाली जो मशीन है ना, जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को ले लेती है अपने आप, यहाँ पे कोई ना कोई मशीन रखोगा आप। जैसे कि घरों में अपन पंखा चलाते हैं, तो पंखा क्या है? फैन क्या है? वो एक मशीन है। वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके और उसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर देती है। वो क्या है? एक मशीन है, ठीक है? उसको अपन एनर्जी दे देते और वो कन्वर्ट कर देती। बल्ब एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती। तो ऐसे ना यहाँ पे वो बात है, वो इंजीनियरिंग की बात है, वो टेक्निक की बात है कि अपन है ना किसी भी टेक्निक से कोई ऐसी मशीन बना दे जो यहाँ से इसको एनर्जी ले सके। तो स्टूडेंट्स, सपोज करो यहाँ आपने कोई बल्ब वगैरह लगा रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बल्ब का जो अंदर का फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिलामेंट एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी है तो वो उस एनर्जी को तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट, वो चमकने लग जाता है। उसकी ये प्रॉपर्टी होती है फिलामेंट की, वो चमकना शुरू कर देता है। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने किसमें कन्वर्ट कर दिया? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सेल है। अब चलो थोड़ी सी अपन सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना इधर से निकलना शुरू होगा, इस तरीके से। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और ऐसे जाएगा, फिर इस मशीन में घुसेगा और इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस जाएगा, इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज की अगर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आपका इस सेल के अंदर से होता हुआ इस तरीके से बार बार पॉजिटिव चार्ज आपका ऐसे रोटेशन होता रहेगा पूरे सर्किट में, इस तरीके से रोटेशन चलता रहेगा। किसका? पॉजिटिव चार्ज। ओके, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। यहां मेरे पास है ना दो तरीके के वर्ल्ड, एक तो सेल के अंदर का पार्ट और एक सेल के बाहर का पार्ट। एक तो है आउटसाइड और एक क्या है? इनसाइड। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज की और मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताओ इस डायग्राम में देखें, तो आप क्या कहोगे कि सर आपको ना पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आउटसाइड बतानी है या इनसाइड बतानी है? तो देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली अपने छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो प्लस से निकलता है और माइनस में चला जाता है। तो अपन कहते हैं प्लस टू माइनस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन स्टूडेंट्स, ये अपनी छोटी क्लासों की बात थी, क्योंकि अपन कहाँ रहते हैं? सेल के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं? सेल के बाहर ही रहते हैं। और छोटी क्लासों में अपने को ना यही पढ़ाया जाता है कि ठीक है, वैसे ये चार्ज की डायरेक्शन है प्लस से माइनस, और किस कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और यही अपन पढ़ते हैं बचपन से कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन आउटसाइड वर्ल्ड। बट सेल के अंदर क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला, इसमें चला गया, फिर यहाँ से आएगा ऐसे, तो ये माइनस, अंदर बाहर तो प्लस से माइनस, लेकिन अंदर क्या हुआ? माइनस से प्लस। इनसाइड ये तो है आउटसाइड, बट इनसाइड ये आ जाएगा माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज की पूरे कंप्लीट, अगर मैं सर्किल की पूरे कंप्लीट सर्किट की अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट होल सर्किट, पूरे सर्किट की अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या है, तो आप मेरे से ये पूछोगे कि सर आउटसाइड बतानी है या इनसाइड बतानी है? अगर आउटसाइड है तो प्लस से माइनस की ओर है, अगर इनसाइड है तो माइनस से प्लस की ओर है। ये है चार्ज की मोशन की डायरेक्शन। ये समझ लेना कि सेल के अंदर डायरेक्शन अपोजिट होती है और सेल के बाहर जो आउटसाइड है डायरेक्शन विल बी चेंज। ओके, ये सेम केस इलेक्ट्रॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन में अपन क्या पढ़ते हैं?
इलेक्ट्रॉन में ना जो इलेक्ट्रॉन के जो मोशन जो है डायरेक्शन वो होती है माइनस से प्लस की ओर, तो आउटसाइड क्या कहोगे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं माइनस टू प्लस, बट इनसाइड जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आके यहाँ जाएगा तो प्लस से माइनस की ओर, ये सेम केस इलेक्ट्रॉन में होता है। आउटसाइड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की ओर मूव करता है और इनसाइड इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर मूव करते हैं। तो ये मैंने मोटा मोटी सेल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, अपन और डीप स्टडी करेंगे सेल। तो यहाँ पे अपने जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना स्टूडेंट्स वो क्या लिया है अपन ने, सेल लिया। चलो बहुत बढ़िया बात है, सेल ले लिया। अब अपन आगे की बात करते हैं, तो सेल में भी ऐसा क्या होता है। अच्छा कई बार अपन कहते हैं ना सेल गिव्स एनर्जी, सेल गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट वर्ड इज रॉन्ग। सेल कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देता है, गिव्स इसलिए नहीं बोल सकते अपन क्योंकि सेल के अंदर ये खुद एनर्जी नहीं होती जो बना बना के दे। सेल क्या करता है किसी दूसरी एनर्जी को इस एनर्जी में क्या करता है कन्वर्ट करता है, इसलिए अपन उसको गिव्स नहीं, उसके पास थी नहीं एनर्जी जो वो गिव्स लगाएगा उसके, उसको अपन है ना कोई दूसरे फॉर्म में एनर्जी देंगे और वो फिर दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा। तो सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो स्टूडेंट्स सेल के अंदर एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। सेल के अंदर जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, और ये केमिकल एनर्जी होती है इसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब अगर स्टूडेंट्स अब आपको मेन मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे ये भी अपन बताएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फोर्स कैसे लगाएगा। अच्छा ये सेल जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा ना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का मारेगा, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अच्छा एक बात और, एनर्जी की यहाँ पे अगर अपने वो सप्लाई करनी है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहाँ घूम के यहाँ पहुंचेगा तब वो एनर्जी देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पूरा हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई कंप्लीट सर्किट आपने बना रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स है ना सब जगह रहते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट में आपने यहाँ पे कोई मोटर लगाई तो जरूरी है कि बेल्ट का ये वाला पार्ट यहाँ पहुंचेगा तब ये घूमना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता ना। ये वाला तो पता नहीं कब पहुंचे लेकिन ये आपका पहले ही घूमना शुरू कर देगा। जैसे आपके पास पानी की कोई 10 किलोमीटर लंबी कोई पाइप लाइन है, पूरा पानी जो यहाँ पे मान लो पूरा भरा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसे कुछ लगा रखा है ताकि पानी यहाँ वाला पानी अब आगे जा नहीं रहा है, लेकिन जैसे आप इसको यहाँ से हटाओगे तो यहाँ वाला जो पानी जो वाटर है वो आपको फोर्स लगाएगा तो यहाँ जो वाटर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यहाँ वाला यहाँ पहुंचेगा तभी पानी बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होता। जो पहले से आगे मौजूद है, पहले से आगे जो प्रेजेंट है वो आपका वर्क करना शुरू कर देगा, जैसे कन्वेयर बेल्ट के केस में होता है, वो सेम केस में होता है इलेक्ट्रॉन के केस में होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं यहाँ पहुंचे, जैसे आपने ना इस बैटरी को ऑन किया, सेल को ऑन किया, ऑन करते क्या होगा, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करेगा, यहाँ वाला यहाँ पहुंचे जरूरी नहीं, यहाँ वाला अपना वर्क करना शुरू कर देगा, वो यहाँ पे अपनी एनर्जी जो है बल्ब वगैरह जो भी आपने लगा रखा है वो अपनी एनर्जी उसको दे देगा, सबको एनर्जी मिल जाती है एक साथ, ऐसा नहीं कि एनर्जी मिलने में आपको टाइम लगेगा, तुरंत सबको एनर्जी सारे एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेल को आपने यहाँ लगाया तो सर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आ गई, अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कब आएगी एनर्जी, ऐसा नहीं होता, सबको एक साथ मिल जाती है एनर्जी, सब मोशन में आ जाते हैं, सबके पास एनर्जी आती है, सब अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन सेल कि सेल की जो केमिकल एनर्जी है उसको अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपको ना केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये सेल के बारे में, केमिकल एनर्जी के केमिस्ट्री जो टीचर है वो पढ़ाते हैं आपको केमिकल एनर्जी से अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल के अंदर क्या प्रोसेस होती है, किस तरह के सॉल्वेंट वगैरह अपन यूज करते हैं। केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री टीचर है वैसे आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो केमिस्ट्री टीचर है इसलिए वो अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं शायद हो सकता है उतना अच्छा ना नहीं पढ़ाता मैं, लेकिन फिर भी आपको मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, नॉट केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं ना खोल के किताब बुक खोल के आप कंपेयर करने मतलब जाना, अरे केमिस्ट्री वाले सर ने उस सर ने ये बताया और उसने ये बताया और उसने पता नहीं क्या बता दिया, ऐसा मत करते ना। मैं मोटा मोटी बताऊंगा फिजिक्स की लैंग्वेज में कि अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में अपन है ना सेल को किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग सेल वी हैव स्टडी सम इंटरनल रिएक्शंस, इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ ए सेल। तो स्टूडेंट्स यू नो दैट H2SO4
SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। एंड आपको पता है जब H2 और SO4 को अपन डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है कि H2 पर तो आता है प्लस चार्जेस, और उतने ही ना SO4 पे क्या आते हैं, माइनस चार्जेस होते हैं। और एक आपने पढ़ा होगा ZnSO4, ZnSO4 में भी यहाँ पे टू माइनस चार्ज होता है और टू पॉजिटिव चार्ज होता है, टू पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अगर अपन इसके आगे बात करें, Zn+4 एंड SO4 माइनस माइनस H2+, तो सुपोज करो इसके पास है ना Zn H2SO4 जो होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है H2SO4, इसके पास जो एनर्जी है, सपोज करो दिस इज द -15, यानी ये इसका एनर्जी लेवल है -15, जिसका मतलब ये है कि H2SO4 को अगर आपको तोड़ना है, H2SO4 को ब्रेक करना है, तो आपको ना +15 जो है ना वो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तभी तो ना इसकी एनर्जी है ना -15 होगी। और अपन +15 देंगे तब है ना एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी और ये टूट जाएगा, H2 अलग और SO4 अलग होगी। ओके स्टूडेंट्स, ZnSO4 की जो एनर्जी लेवल है वो होता है -20, तो किसका एनर्जी लेवल कम है, H2SO4 का या ZnSO4 का? स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट ZnSO4 का एनर्जी लेवल कम है, दिस इज लो एंड दिस इज हाई, इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसको अगर आपको ब्रेक करना है, -20 है ना, तो इसको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी आपको, +20 देनी पड़ेगी। इसको अगर ब्रेक करना है तो आपको इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +15 देनी पड़ेगी। तो कौन सा इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, विच सॉल्वेंट इज मोर स्टेबल? तो स्टूडेंट्स ZnSO4 इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि इसको ना एनर्जी अपने को ज्यादा देनी पड़ती है इसको तोड़ने के लिए, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और कंपेयर टू ZnSO4, H2SO4 इज लेस स्टेबल, इसलिए अपन है ना ये कहते हैं कि जिसका एनर्जी लेवल कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी लेवल कम होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कम स्टेबल होता है, ध्यान रखना ये बात। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आना SO4 जो है उसको अगर अपन चॉइस दे देते हैं, SO4 माइनस माइनस है ना, SO4 -2, इसको अगर अपन चॉइस दे दें कि तुम भाई किसके साथ रहना चाहते हो, H2 के साथ रहना चाहते हो या ZN के साथ रहना चाहते हो, तो ये साफ साफ बोलेगा यार मैं तो ZN के साथ रहना चाहता हूँ, क्यों? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, H2SO4 कम स्टेबल है, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई होगी। SO4 जो है ना इसको अगर अपन चॉइस दे दें कि तेरे पास चॉइस है H2 है और दूसरा चॉइस क्या है, ZN है, किसके साथ तू ना बॉन्ड बनाना चाहेगा, किसके साथ तू रहना चाहेगा, तो ये SO4 जो है ना इसको अगर चॉइस मिले तो ये हर आदमी क्या कोशिश करेगा कि मैं ZN के साथ रहूं, क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम होता है, जिससे ना अगर इसको फिर तोड़ना है तो इसको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाई एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, और ये वाला H2SO4 जो है वो क्या होता है, कम स्टेबल होता है। चलो अब अपने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बोर्ड देखना। ओके, अपने पास मान लो ये अपने पास कोई सॉल्यूशन है, और स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूशन है ये किसका है, H2SO4 का सॉल्यूशन, ये अपने पास किसका सॉल्यूशन है, H2SO4, यानी इसके अंदर अपने पास H2SO4 डाइल्यूट है, वाटर के साथ मिक्स करके डाइल्यूट H2SO4 वो अपने डाल रहे हैं, ठीक है? ओके, यहाँ अपन एक काम करते हैं कि ZN की एक रोड डाल देते हैं अपन इसके अंदर, ये ZN की एक रोड डाल देते हैं, ये क्या है आपका ZN, ZN समझ गया ना, जिंक है, जिंक की क्या है एक रोड है जिसको अपने H2SO4 के जो सॉल्यूशन है इसके अंदर अपने डाल रखी है, इसको अपने रखना है। यहाँ आपके पास H2 है और SO4 भी, ये वाला जो SO4 है ये क्या करता है, H2 और SO4 जैसे वो अपने वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर का जो डायलेक्ट्रिक जो होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो वाटर का क्या ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जैसे अपन है ना डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, तो H2 और SO4 के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है, यानी H2 और SO4 जो मॉलिक्यूल है ना वो वाटर की वजह से वो थोड़ा सा टूटना शुरू हो जाता है, H2 और SO4 के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है,
अगर मान लेते हैं S2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और SO4 के पास क्या मान लेते हैं एक बार के लिए, 2 नेगेटिव चार्ज। SO4 के पास चॉइस है भी, SO4 के पास क्या चॉइस है कि वो चाहे तो H2 के पास रह सकता है और वो चाहे तो ZN के पास भी रह सकता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया SO4 कौन सी चॉइस को प्रिफर करेगा। SO4 हमेशा क्या चाहता है कि मैं किसके पास चले जाऊँ, ZN के पास चले जाऊँ, उसको ZN अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स ये SO4 जो है वो ZN के पास जाना चाहता है, तो क्या भेज देंगे इसको वो ZN के पास? नहीं भेज सकते, ZN के पास नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते ZN के पास? अरे भाई जगह खाली होगी तभी तो अपन भेज पाएंगे। मान लो कोई पहले से, अगर मान लो कोई बुक है उसके पास कैसे भेजोगे आप उसको, है ना? प्रॉब्लम ये है। तो बुक कैसे कि ZN के पास ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। अगर इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो SO4 इसके पास चला जाता और प्लस माइनस जीरो जाता और ZnSO4 बन जाता। बट स्टूडेंट्स हियर वी कैन सी दैट देयर इज नॉट एनी चार्ज ऑन ZN, देयर इज नॉट एनी चार्ज ऑन ZN, बट SO4 माइनस टू ऑलवेज इट वांट टू गो विद ZN, इट ऑलवेज वांट टू विद ZN, यानी ZN के साथ ये क्या करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो ZN क्या करना चाहेगा, हमें क्या चाहिए कि यहाँ से ZN के, ZN को ना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको निकालने पड़ेंगे, ZN को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, रिलीज करने पड़ेंगे। ZN अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दे तो ये SO4 यहाँ पे ZN के पास आ जाएगा, क्योंकि दो जैसे ही ये ना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा तो ZN माइनस बन जाएगा, और ये SO4 है ना ये इसके पास आके और ये माइनस ZN प्लस बन जाएगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा तो यहाँ पे ZN के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर SO4 के पास 2 नेगेटिव है, ये आराम से यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये स्टूडेंट्स कि ठीक है मान लिया कि ये ना 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो रिलीज कर देगा, बहुत बढ़िया बात है। रिलीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या चाहिए, रास्ता। लेकिन रास्ता हमने अभी तक दिया हुआ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ZN को जैसे हमने इसके अंदर डिप किया S2SO4 गया, तो ZN की हालत कैसी होगी कि ये ना एनी टाइम क्या चाहता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, यानी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एनी टाइम क्या चाहते हैं कि हम निकल जाएं यहाँ से। इसलिए अपन ना इस ZN को ना क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो निकलने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन वो निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि हमने उसको कोई रास्ता कोई पाथ वगैरह अपन ने दे नहीं रखा है, और ये SO4 लगातार क्या कोशिश कर रहा है कि मैं ZN के पास चला जाऊं, लेकिन ये जा नहीं सकता जब तक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं जाते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, दिमाग लगाया कि यार क्यों ना इसको रास्ता दे देते हैं अपन ताकि ये आराम से चला जाए। तो हमने क्या किया, एक कॉपर की रोड ली, ये तो आपका ZN हो गया, ये क्या हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर जो बेस्ट कंडक्टर है वो ले लो, ऊपर ले लिया हमने बेस्ट कंडक्टर, और यहाँ से हमने एक स्विच लगाया, यहाँ कोई भी बल्ब वगैरह रेजिस्टेंस कुछ भी ले लिया हमने, बल्ब वगैरह लगा के इसके कनेक्ट कर दिया, और स्विच को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। स्विच को क्या कर दिया, ऑन। अब क्या होगा, इसके जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या देख रहे हैं, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन ना इससे बाहर निकलना चाहते हैं, ZN से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ZN से बाहर निकले जाएंगे किसके पास, प्लस के पास। नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास जाना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास। तो ये नेगेटिव जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के यहाँ आते हैं, यहाँ आके देखते हैं कि कहीं पे कोई प्लस है क्या भी। ये जो 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं और वो क्या कोशिश करते हैं कि प्लस है क्या। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकले तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। और SO4 किसके पास जाना चाहेगा, ZN के पास, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। वो आके इधर देख रहे हैं कि कहीं पे कोई पॉजिटिव गया, उनको जाने का आगे रास्ता मिल गया। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले तो यहाँ पे 2 के आगे पॉजिटिव आ गए। ये दोनों पॉजिटिव ना H2 को तो इधर की ओर फोर्स लगाते हैं H2 पर, लेकिन SO4 पे इधर फोर्स लगाते हैं। अच्छा यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो यहाँ आए, अब इनको ना पॉजिटिव कहाँ मिला, ये जो H2 प्लस प्लस है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो H2 प्लस प्लस के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें देखो कई रिएक्शन हुई। पहली रिएक्शन क्या हुई कि H2SO4 है ना वो टूट जाएगा, H2SO4 है ना वो टूट के H2 प्लस प्लस और SO4
माइनस माइनस, फिर यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसमें से, जेड एन में से, तो जेड एन प्लस प्लस बनेगा और टू इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस, ठीक है जेड एन में से निकल गए। ओके फिर है ना ये एसओ फोर है ना, अच्छा यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ आए, तो यहाँ टू पॉजिटिव आए, इन दोनों पॉजिटिव ने एसओ फोर को तो अपनी ओर इधर अट्रैक्ट किया लेकिन एस टू प्लस प्लस को इधर रिपेल किया। अच्छा एस टू फोर एस टू प्लस प्लस को रिपेल किया तो एस टू प्लस प्लस जो ये वाला जो आयन है वो आपके इसके पास आ गया, यहाँ ऑलरेडी टू इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन और एच टू क्या हो जाएंगे आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और जेड एन प्लस टू और एसओ फोर भी आपस में क्या हो जाएगा कंबाइन हो जाएगा, तो जेड एन प्लस प्लस और एसओ फोर माइनस माइनस कंबाइन होके क्या बन जाएगा जेड एन एसओ फोर बनेगा, और ये एच टू प्लस प्लस और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन आए थे वो दोनों आपस में मिलेंगे, और ये जो टू इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बन गया हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे एक बबल बनेगा पास में, और बबल बन के वो गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और खेल जाता। अब इतने से अपने वो हुआ क्या, ये मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ H2SO4 की, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ये प्रोसेस चलते रहते बार बार H2 और SO4, H2SO4 का ब्रेकडाउन होता रहता है, SO4 आपका इधर जाता है, पॉजिटिव आपका इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव होता है, ठीक है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मोशन होता है। चलो अब अपन आगे और स्टडी करते हैं, होता यह है कि जैसे कि मान लो यहाँ आपके पास कोई SO4 माइनस टू है, ठीक है यहाँ यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, ये वाले यहाँ पहुंचेंगे तब तक ये भी लगातार क्या करेगा कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ये SO4 माइनस टू की डायरेक्शन किधर होगी इधर होगी, अगर यहाँ को SO4 टू माइनस है यहाँ पे है तो वो कहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो SO4 माइनस टू की डायरेक्शन इधर, SO4 के ऊपर क्या है माइनस है, माइनस का मतलब हो गया ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक तरीके से स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि आपका नेगेटिव चार्ज है। अच्छा एक बात और कि ये वाली जो रोड है ना ये आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स देती है, इसलिए अपन ने इसको क्या ले लिया नेगेटिव, यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गए बहुत सारे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स देता रहेगा, इसलिए अपन इसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा इसके पास कौन सा चार्ज अवेलेबल हो जाएगा एच टू प्लस प्लस इसके पास आएगा तभी तो टू इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, तो इसके पास कौन सा चार्ज है ये इसके पास कौन सा चार्ज एवरी टाइम अवेलेबल है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अपन है ना इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब सेल के अंदर क्या होगा SO4 की डायरेक्शन इधर, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ये होगी, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव चार्ज। अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास भी कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी डायरेक्शन होगी ये, तो हुआ क्या ये पूरा एक सर्किल बन गया, एक पूरा सर्किट बन गया कि नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ से ऐसे मूव हुआ, फिर इसमें से गया नेगेटिव चार्ज, इसमें से गया, फिर इसमें से आया, फिर इसमें से गया, और ये प्रोसेस चलने शुरू हो गई, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है जैसे कन्वेयर बेल्ट वाला बताया था ना वैसे नेगेटिव चार्ज पूरे सर्किट में क्या हो गया फ्लो होना शुरू हो गया। हालांकि यहाँ नेगेटिव चार्ज कौन है इलेक्ट्रॉन है, अंदर सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज क्या है आपके पास SO4 माइनस टू है बट है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आप लोग कुछ समझ लो कि सेल के आउटसाइड की अगर बात करें, देखो ये सेल आपका पैक है यहाँ पे, अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज आपका नेगेटिव से प्लस की ओर माइनस टू प्लस, ठीक है ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और सेल के इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो इनसाइड है ना प्लस से माइनस की ओर, प्लस टू माइनस की ओर, ये इनसाइड इनसाइड नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन कितनी होगी दो डायरेक्शन होगी, आउटसाइड की बात करें तो माइनस टू प्लस, इनसाइड की बात करें तो प्लस टू माइनस, वही सेम चीज आप है ना पॉजिटिव चार्ज के लिए बता सकते हो एच टू प्लस क्या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव में चार्ज की डायरेक्शन इधर है ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे इस तरीके से, तो आप है ना चाहे इलेक्ट्रॉन लेकर समझा दो इसको चाहे आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर समझा दो इसको बात है की, तो ये सारी प्रोसेस है ना ये होती है। अच्छा आप सोच रहे हो सर ये प्रोसेस चलती रहेगी अनंत काल तक, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी जब तक H2SO4 है आपके पास, जब तक सॉल्यूशन में आपके पास H2SO4 है वो ब्रेक होता रहेगा और आपका ये फ्लो चलता रहेगा, और जब H2SO4 सॉल्यूशन में खत्म हो जाएगा उसके सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे तब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, हम कह देंगे कि अपना जो सेल है वो क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया।
ओके अब अपन नाके की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ बाहर क्या है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये है आपका आउटसाइड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के बारे में आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कंडक्टर के जो आयंस वगैरह होते हैं, मॉलिक्यूल के जो आयंस होते हैं वो सामने कोलिजन होता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस कैपिटल आर, जो रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में आपको मैंने बताया था। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ आई विल टॉक अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस भाई क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स आपका SO4 माइनस टू है, इसको ZN तक पहुंचना है तो उसको यहाँ से चल के ऐसे आना पड़ेगा और ZN तक पहुंचना पड़ेगा। तो सामने है ना वाटर है और भी H2SO4 का कोई मॉलिक्यूल मिलेगा, है ना, H2SO4 है ऐसे जा रहा है पानी इस सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तब ये सामने से क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कुछ रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा। तो ये वाला जो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज को ऐसे मूव करने के लिए जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अपन जो बाहर जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो तो अपना नॉर्मल रेजिस्टेंस है, हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। ये अलग अलग सेल का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मॉलिक्यूल होता है, अलग अलग तरीके के केमिकल यूज करते हैं, कहीं किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एक बार फिर से समझ लेना, नेगेटिव चार्ज कौन है इंटरनल सेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते सेल के अंदर, क्या फ्लो होता है ये वाली जो है ना SO4-2 जो नेगेटिव आयंस है ये आगे मूव होते हैं। जब ये मूव होंगे तो इसको सामने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह से साथ कोलिजन होता है, इसका कोलिजन होता है, इसका मतलब ये बात, इसके बाद से क्या होता है कि अंदर है ना एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और उस रेजिस्टेंस को अपनी क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से इंटरनल रेजिस्टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, हमेशा स्मॉल आर से। अच्छा ZN की जो रोड है जैसे आपने इसके अंदर डाला तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तरीके से ये है ना नेगेटिव रोड बन जाती है एक तरीके की। इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसके पास कौन सा पोटेंशियल आता है, नेगेटिव। दिस इज अबाउट -0.7, ये होता है लगभग, आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लगभग अबाउट -0.7। और जो ये अपनी पॉजिटिव रोड जो है स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो आता है लगभग आता है 0.5, इस पे जो आता है पोटेंशियल वो क्या होता है +0.5। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 0.5 -0.5 लगभग ये आ गया 1.2 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास लगभग अबाउट 1.2 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और इतनी लगभग एनर्जी आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग मतलब एनर्जी आ जाएगी। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है और इस तरीके की प्रोसेस है ना वो स्टूडेंट्स सेल के अंदर होती है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी आप ना कोई सेल वगैरह बैटरी वगैरह लेके एक सर्किट में कनेक्ट करते हो तो ये करंट जो है वो आपके बाहर ही फ्लो नहीं होती, करंट आपके सेल के अंदर से भी फ्लो होती, सेल के अंदर से होते हुए और बाहर जो करंट है वो पूरा एक सर्किट बन जाता है। अंदर भी करंट फ्लो होती है और आउटसाइड में भी स्टूडेंट्स करंट जो है वो क्या होती है, फ्लो होती है। और अब देखो बाहर करंट की डायरेक्शन ये है, देखो इस तरीके से प्लस है ना ये, हाँ तो ये वाली करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अंदर नेगेटिव चार्ज प्लस से माइनस की ओर इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो अंदर है ना करंट की डायरेक्शन ये, बाहर करंट की डायरेक्शन ये, अपोजिट है करंट की डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन भी क्या है, इनसाइड और आउटसाइड क्या अलग अलग है, इस वजह से ये अलग अलग है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, सेल की क्या मैकेनिज्म होती है ये भी समझ में आ गया होगा। अब है ना आगे के टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में स्टडी करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट डे।